है सबसे बड़ी बीमारी है जिससे मनुष्यता ग्रस्त है, और हर एक मनुष्य ग्रस्त है। हर एक को किसी न किसी बात का भय है, चाहे छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, सब भयभीत है। भय सबके भीतर भरा हुआ है। पूछा भय का कारण क्या है? भय का एक ही कारण है कि जब से बच्चा पैदा होता है तब से लेकर पूरे जीवन भर उसे डराने का काम ही परिवार से शुरू होता है, और पूरा समाज इस काम को पूरे जीवन करता रहता है। जब बच्चा छोटा होता है, बच्चा कुछ करता है, माँ बाप चाहते हैं वैसा ना करे, उसको डरा दिया जाता है। बच्चा रात में घर से बाहर ना निकले, भूत आ जाएगा, चोर आ जाएगा, यानी जाने अनजाने बिना उद्देश्य सो उद्देश्य एक ऐसी मानसिकता पैदा करती है माँ बाप कि डरने के अलावा और कोई रास्ता बचता ही नहीं बच्चे के लिए। जो कुछ आप बच्चे से कराना चाहते हो, बच्चे को समझाने के बजाय कि क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए, आप सोचते हैं कि उसको डरा दिया जाए, और वहीं से भय पैदा करने का मनोविज्ञान उसके जीवन को घेर लेता है। माँ बाप ये काम शुरू करते हैं, और जैसे ही बच्चा पहले दिन से स्कूल जाना शुरू होता है, उसे डरा दिया जाता है कि अगर तुम क्लास में फर्स्ट ना आए तो मुंह दिखाने लायक हम लोग नहीं रहेंगे, अगर तुम फर्स्ट ना आए तो भीख मांगोगे सड़कों पे। अब वो भय भी उसके भीतर घुस गया। और स्कूल में टीचर्स कितना डराते हैं बच्चों को, आप भी बच्चे रह चुके हो, आपके बच्चे बच्चे हैं ही, आप देखें 24 घंटा आप उनको डराते रहते हो, 24 घंटा शिक्षक उनको डराता रहता है, और सारा समाज 24 घंटे उनको डराता रहता है। बचपन से ही भय उसके ब्लड एंड वेंस में, उसके पूरे शरीर में, मन में, मस्तिष्क में इतना गहरे में स्थापित कर दिया जाता है कि वो उसके लाइफ एंड लिविंग का, पूरे जीवन का एक अंग बन जाता है। एक बात। दूसरी बात, माँ बाप भी तो बचपन से ही डराए गए और पूरी ज़िंदगी डरे डरे जीते हैं माँ बाप, उनके ब्लड एंड वेंस में भी भय का जहर भरा हुआ है। उन्हीं की तो संतानें हैं ये नए बच्चे, जो उनके ब्लड एंड वेंस में है, उनके खून में, हेरिडिटरी से, जीन्स में वो भय बच्चों के स्वतः प्रवाहित होने लगता है। इस पृष्ठभूमि में बच्चा जन्म लेता है और आगे बढ़ता है। जन्म के साथ आप ही का खून तो उसमें बह रहा है, आप पूरा जीवन डरे डरे जिए, उसके खून में भी भय भर गया। जब से पैदा हुआ जो भी उसके संपर्क में आए सब ने डराया, और जो जो बड़ा होता जाता है, अगर किसी से प्रेम हो गया 1000 भय खड़े हो जाते हैं, कैसे निपटेगा परिवार से, कैसे निपटेगा लड़की के परिवार से, लड़की कैसे निपटेगी अपने परिवार से, कैसे निपटेगी लड़के वालों के परिवार से, भय भय। नौकरी कैसे मिले उसका भय, जीवन को स्थापित करने का भय, भय ही तो है। और ये भय इतनी गहरे जड़ी, इतनी गहरी जड़ें बना लेता है कि आप कितना भी भय मुक्त होने की शिक्षा देते रहो, भय मुक्ति संभव नहीं हो पाती है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, भय इतना खतरनाक जहर है जो मृत्यु से पहले ही व्यक्ति को मार देता है। आदमी मरता तो है 70 साल, 80 साल, 90 साल में, लेकिन कोई 20-25 साल बीतते बीतते हर व्यक्ति लगभग लाश बन जाता है, और उसके बाद की ज़िंदगी घिसट 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 जीता है। चाहे वो पूजा पाठ करता है, भगवान को भी मानता है, तो सिर्फ भय के कारण। सारे धर्म भय की वृत्ति पर खड़े,
धार्मिक लोगों ने भी 24 घंटे तुम्हें डराया है कि ऐसा करो नहीं तो नरक मिलेगा, वहाँ कड़ाहों में उबाले जाओगे, वहाँ गंदे नाले जिसमें कीड़े मकोड़े उबल रहे होंगे उनके बीच में सड़ाए जाओगे। नरक कब है, पाप कब है? और यही नहीं, जन्मों जन्मों तक 84 योनियों में चक्कर काटते रहोगे, इस कब है? भय भय ही तो सिखाया जाता है। अच्छा, धर्म हो तो भय सिखा रहे हैं, समाज हो तो भय सिखा रहा है, हर तरह का भय। ये तो है इसके कारण। आप पूछते हैं मुक्ति का उपाय क्या है। पहली बात तो भय, इससे बड़ा पाप कोई नहीं है, इससे बड़ा जहर कोई नहीं है। मर जाए आदमी वो ठीक है, लेकिन मरा मरा जिए ये बहुत खतरनाक है। भयभीत रहना, इसका सीधा अर्थ है मरे मरे जीना। और इसीलिए जो भी हृदय से प्राणों से मेरे से जुड़े हुए हैं उनको मैं एक ही सबसे महत्वपूर्ण संपदा पहले दिन ही दे देता हूँ कि अगर आपने मेरा हाथ पकड़ा है और मेरे पे भरोसा किया है तो आज से मैं तुम्हें भय मुक्त करता हूँ। किसी भी बात की चिंता न करना। मैं कहता हूँ बार बार, आपने सुना होगा जो मेरे करीब है, कि आज मैंने आपका हाथ पकड़ लिया है। मेरी दीक्षा का पहला सेंटेंस है, आज से मैंने आपका हाथ पकड़ लिया है। और मैं वचन देता हूँ आपके तन मन धन और परिवार पर खरोच नहीं आने दूंगा। और ये वचन मैं देता हूँ सदगुरु महामंत्र दीक्षा के पहले वचन के रूप में। उसका सीधा अर्थ यही है कि अगर मैं आपको भयमुक्त करने का वचन दे रहा हूँ, जन्मों जन्मों से अब तक की जो मेरी संपदा है वो संपदा आपके तन मन धन परिवार की रक्षा करेगी। और अगर आपने भरोसा कर लिया है और मेरे वचन को मान लिया है तो समझ लेना उसी क्षण से आप भयमुक्त होकर के जीना। और अगर कोई बात आपके ऊपर आ जाए उसके जिम्मेदारी मेरी है, उसके जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। और मैं आपसे कहता हूँ अगर भयमुक्त होकर आपने जीना शुरू कर दिया तो यम यम चिंतायते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो जो चाहोगे, जैसा जैसा चाहोगे, वैसा वैसा ही होगा। कैसे होगा? इसका मंत्र मैं शिविरों के माध्यम से, अपनी दृष्टि से, अपनी वचन से, अपने स्पर्श से आपको 24 घंटे उपलब्ध कराता रहूँगा। तो पहला आग्रह मेरा आपसे यही है, आँख बंद करके आप भयमुक्त जीना शुरू करें। आँख बंद करके भयमुक्त होकर जीना शुरू करें। अगर इतना नहीं कर सकते हैं तो इसके आगे जो ज्ञान विज्ञान आपको देना चाहता हूँ उसको ना तो पूरी तरह आप प्राप्त कर पाएंगे, ना उसका पूरा पूरा लाभ उठा पाएंगे। और अगर ये पहला स्टेप आपने मान लिया तो खेल खेल में आपको मैं परमात्मा भी उपलब्ध करा सकता हूँ, खेल खेल में। इसीलिए मैं कहता हूँ इस पृथ्वी पर मैं यंग माइंड मूवमेंट चलाना चाहता हूँ, साइंस डिवाइन के माध्यम से यंग माइंड मूवमेंट, युवा चित्त पैदा करना चाहता हूँ, क्रांतिकारी युवा चित्त पैदा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा पूरे जीवन युवा बने रहो। शरीर तो बूढ़ा हो सकता है, बूढ़ा होगा भी, लेकिन आप शरीर नहीं, आपके भीतर एक चित्त भी है और चित्त हमेशा युवा रहता है, चित्त कभी बूढ़ा नहीं हो सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ उम्र का युवा होने से कोई संबंध नहीं है। मैंने 65-70 साल के युवा भी देखे हैं और 20-25 साल के बूढ़े देखे हैं। अगर तुम्हारे अंदर समझ आ जाए तो तुम जिंदगी भर युवा रह सकते हो। युवा चित्त का एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है। क्या युवा चित्त का एक ही महत्वपूर्ण लक्षण है कि उसमें जीवन को सही दिशा में बदल डालने की तत्परता हो, यानी उसके प्राणों में ये संकल्प पैदा हो जाए कि सही दिशा में मैं जीवन को बदल डालूंगा, बदल के रहूंगा। जिसके भीतर ये संकल्प पैदा हो जाए वो युवा। और इसके साथ साथ उसे जो दिख जाए कि ये गलत है,
उसको छोड़ देने का साहस हो, जो गलत दिखे उसको छोड़ देने का साहस, जो सही दिख जाए उसको कर डालने की हिम्मत। जब मैं कहता हूँ आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों के बंधन से अपने को मुक्त करो, जब मैं कहता हूँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के बंधन से मुक्त करो, उसके पीछे यही मंशा है कि तुम हर तरह की सीमाओं, हर तरह के बंधनों से मुक्त होकर जीना शुरू करो, तभी तो तुम्हारे आत्मा का कमल खिलेगा, तभी तो तुम्हारे जीवन में आनंद की लहर, आनंद की तरंग पैदा होगी, तभी तो तुम पृथ्वी पर जगत गुरु कहे जाने का साहस पैदा करोगे। इस संबंध में इतना ही, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद आपका।